गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी क्रम में आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के क्या कारण है, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान संदर्भ में क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ज़रूरी है, या इस प्रकार का कोई संगठन जो है गुटनिरपेक्ष देशों का, उसकी क्या आवश्यकता है। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा जो विश्व है वो दो भागों के अंदर विभाजित हो गया था। एक का नेतृत्वकर्ता जो है वो अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ था। और उसी समय पर एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो हैं वो स्वतंत्र हो रहे थे, लेकिन वो किसी भी गुट के अंदर नहीं मिलना चाहते थे। जैसे भारत जो था वो ये नहीं चाहता था कि वो अमेरिका के साथ जाए या सोवियत संघ के साथ जाए। हम अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति जो है उसको अपनाना चाहते थे, इसीलिए हम दोनों ही गुटों के अंदर शामिल नहीं हुए थे। अर्थात हमने गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको अपनाया था। अब देखो, उस समय के लिए या उस दौर के लिए ये चीज़ सही थी कि एक ऐसा संगठन हो, एक ऐसा आंदोलन हो जिसमें दोनों ही गुटों के अंदर शामिल ना होने का विरोध किया जाए। लेकिन अगर अपन वर्तमान संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो 1991 के अंदर सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो चुका है। अब जो शीत युद्ध का दौर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, और उसी समय पर गुटनिरपेक्षता जो है उसका प्रारंभ हुआ था। तो कई लोगों का ये मानना है कि जब शीत युद्ध का दौर ख़त्म हो गया है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका जो है वो बचा है, तो अब ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष ये जो संगठन बना हुआ है गुट निरपेक्ष देशों का, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसकी प्रासंगिकता के या इसके वर्तमान में बने रहने के कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण ये संगठन जो है वो आज तक अपने अस्तित्व को लिए हुए है। तो इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अपन देखेंगे। फर्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है, नवोदित राष्ट्रों का संगठन होने के कारण से इसकी जो प्रासंगिकता है वो अभी भी है, क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं इन राष्ट्रों का जो आर्थिक और राजनीतिक जो विकास है वो परस्पर सहयोग पर ही निर्भर करता है। आपको पता है कि इसके अंदर सारे नए उदित कंट्रीज, मतलब कि एशिया और अफ्रीका के ऐसे देश शामिल हुए थे जो कि नए नए स्वतंत्र हो रहे थे। और आपको पता है एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर जो देश हैं उनकी अगर आप आर्थिक समस्याओं की बात करें या उनकी राजनीतिक समस्याओं की बात करें तो उनकी जो समस्याएं हैं ये लगभग समान सी हैं। और अगर इन समस्याओं को दूर करना है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो कंट्रीज़ हैं इनका आपस में सहयोग होना या सहयोग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि वर्तमान महाशक्ति जो है अमेरिका, उसके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए भी निर्गुण राष्ट्र जो हैं उनका आपसी सहयोग जो है वो आवश्यक होता है। देखो, पहले तो सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियां थी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में एकमात्र महाशक्ति जो है वो है अमेरिका। और अगर ये जो कंट्रीज हैं ये अगर अमेरिका से अपनी तुलना करती हैं तो अमेरिका इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर ये चाहती हैं कि अमेरिका से मुकाबला कर सकें तो उसके लिए इन राष्ट्रों का एकजुट होकर के रहना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं उनसे इन राष्ट्रों की रक्षा करने के लिए भी ज़रूरी है कि एक ऐसा संगठन हो जो कि इन पूंजीवादी राष्ट्रों से इनकी रक्षा कर सके। क्योंकि अपने यहाँ तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, अपने यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब पूंजीपति भी अपना सहयोग देते हैं, निजी उद्योग भी हैं, सरकारी उद्योग भी हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र भी कार्य कर रहा है, निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहा है। तो ये जो पूंजीवादी जो कंट्रीज हैं इनसे अगर हमको अपनी सुरक्षा करनी है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसके माध्यम से निशस्त्रीकरण की आवाज़ उठाई जा रही है। देखो, आज कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि युद्ध हो या अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किसी भी विवाद या मामले के अंतर्गत किया जाए। और गुटनिरपेक्ष जो ये राष्ट्र हैं ये विशेषता ये चाहते हैं
कि अस्त्र शस्त्र जो हैं या परमाणु हथियार वगैरह हैं उनका प्रयोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाए। तो इसीलिए इन राष्ट्रों के माध्यम से ही निशस्त्रीकरण जो है उसकी आवाज़ उठाई जा रही है, और इसी के माध्यम से इन राष्ट्र जो हैं उनको सुरक्षा भी प्राप्त होती है, अर्थात निशस्त्रीकरण की आवाज़ से ये राष्ट्र जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट, अधिकतर जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं अगर आप देखेंगे इनके बारे में, तो ये विकासशील हैं या अल्प विकसित हैं, अर्थात अभी ये विकास की अवस्था में चल रहे हैं, अभी इनका विकास चल रहा है। और अगर इनकी आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखें, इनकी आर्थिक समस्याओं के बारे में अगर आप देखें, तो इनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी लगभग समान सी हैं। ठीक है, तो अगर इनको अपनी आर्थिक प्रॉब्लम्स को दूर करना है, अगर ये चाहते हैं कि ये अपनी आर्थिक उन्नति करे, तो आर्थिक उन्नति करने के लिए इन राष्ट्रों का परस्पर सहयोग जो है, इनका जो कॉरपोरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान सरकार और गुट निरपेक्षता का एक टॉपिक है, आप इसको इन्हीं पॉइंट्स के साथ में ही मेंशन कर लेंगे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उनके जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें भारत जो है वो भी शामिल था, आपको पता है। और अगर अपन वर्तमान में देखें तो सिंगापुर से लेकर के क्यूबा तक के जो देश हैं वो सब इन इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि हम मतलब बहुत अधिक इसकी प्रासंगिकता होती जा रही है, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आतंकवाद। देखो, आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे आज विश्व का हर देश जूझ रहा है, और भारत जो है वो भी आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद जैसी समस्या से निपटा जाए या उसको दूर किया जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि गुटनिरपेक्ष जो सदस्य हैं उनका समर्थन हमको मिले, और समर्थन के लिए ये ज़रूरी है कि एक संगठन इनका होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो आतंकवादी गतिविधियां अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा बहुत अधिक पाकिस्तान जो है वो देता है। तो अगर हम पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं उसकी आतंकवादी गतिविधियों के कारण, तो उसके लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो हमको एक मंच प्रदान करता है, एक इन राष्ट्रों के संगठन एक मंच देता है जहाँ से हम पाकिस्तान जैसी कंट्री को घेर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो, भारत जो है वो यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी मेंबर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य हैं, जिसके अंदर 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं सुरक्षा परिषद के अंदर, जो कि रोटेशन वाइज बदलते रहते हैं, 2 ईयर्स के उनका कार्यकाल होता है। तो भारत जो है वो वहाँ का स्थायी मेंबर बनने की जितनी भी शर्तें हैं उन सभी शर्तों को पूरा करता है, उसके लिए प्रयासरत भी रहता है, और जिस तरह की विदेश नीति का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गुटनिरपेक्ष नीति जो है वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि जब ये संगठन का निर्माण हुआ था उस समय पर थी। तो इन सारे पॉइंट्सों के माध्यम से हमको कंक्लूजन के तौर पर यही बताना है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था या गुटनिरपेक्षता की जो ये नीति हमारी चली आ रही है, ये वर्तमान समय में भी आवश्यक है, प्रासंगिक है। ठीक है, इसके बाद का जो भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।